The NCW has visited the RG Kar Medical Hospital. They've taken cognizance of the matter. They've gone to the ground, and now NCW member Delina Kongdu is speaking to the media. Let's cut across live. Silence, please. अभी मैं अथॉरिटी से भी बात किया है, प्लस स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव से भी हमने बात किया है, तो उन्होंने जो डिमांड रखा है अथॉरिटी ने कुछ दिन कुछ समय मांगा है ताकि उनका डिमांड अथॉरिटी कंप्लीट कर पाए। तो आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट करें कि अथॉरिटी भी जो अपना जो स्टूडेंट्स की डिमांड है वो लोग फुलफिल कर पाएंगे कुछ दिन में। और हमारे तरफ से हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द लॉ ये इन्वेस्टिगेशन और जो इस केस से रिलेटेड है ये जल्द से जल्द कंप्लीट करें, बट विद द प्रोसीजर ऑफ द लॉ। तो अभी भी हम और इंक्वायरी प्रोसेस में है, तो आप हमें ये अलाउड कीजिए कि हम आराम से अपने इस इंक्वायरी को कंप्लीट कर पाए। कोई रिपोर्ट आप मांगे हैं अथॉरिटी से? जी जी, जो रिपोर्ट, यस वी हैव आस्क्ड ऑल द रिपोर्ट, दे विल सबमिट टू अस हॉस्पिटल अथॉरिटी। द हॉस्पिटल अथॉरिटी, यस वी हैव आस्क्ड फॉर द रिपोर्ट, दे विल सबमिट टू अस। पुलिस से कोई रिपोर्ट मांगे हैं मैडम? मैडम पुलिस से कोई रिपोर्ट मांगे हैं? पुलिस ने तो कल ही हमारे कमीशन में रिपोर्ट भेजा है जो उन्होंने आज तक किया है, तो कल उन्होंने भेजा है और हम भी आज फिर से देखेंगे उसको और उसे पुलिस के काम के साथ साथ ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सिक्योरिटी लैप्सेस है यहाँ पर, सिक्योरिटी के लैप्सेस बहुत है और अथॉरिटी की तरफ से भी उन्होंने प्रॉमिस किया है कि कर लेंगे, चेक कर लेंगे इसमें, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि उनको थोड़ा समय दे दीजिएगा। लेकिन मैम एक औरत के ऊपर अगर ऐसे अटैक्स होते हैं तो जैसे पूरा देश में इसके लिए आंदोलन चल रहा है, हाँ। तो उसके लिए आप लोग ने कुछ सजेशन दिए? हाँ, हमने सजेशन भी दिया है उनको और हम लिख के भी अपने रिपोर्ट में बना के, ठीक से बना के हम लोग उनको रिकमेंडेशन भी दे देंगे। मैम कहा जा रहा है एक देखिए अरेस्ट हुआ है, लेकिन मल्टीपल यहाँ पे अरेस्ट, मतलब मल्टीपल? देखिए थोड़ा समय दे दीजिए पुलिस को, पुलिस उसका इंक्वायरी मतलब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और फॉरेंसिक रिपोर्ट भी कर रहे हैं, जहाँ जहाँ डीएनए मैच हो रहा है तो पता चलेगा कि कितने लोग इन्वॉल्व है उसमें, तो उसी से पता चलेगा। ऐसा कुछ बताया कि मल्टीपल लोग इन्वॉल्व थे इसके साथ? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया, क्योंकि प्रोसीजर रहता है उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। सैंपल्स जो उन्होंने कलेक्ट किया है, चाहे हो सकता है कि 6 सैंपल्स कलेक्ट किया है या 4 सैंपल्स कलेक्ट किया है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। हॉस्पिटल मैडम, हॉस्पिटल व्हाट स्टेप्स हैव यू आस्क्ड हॉस्पिटल टू टेक प्रेजेंटली, सिंस यू हैव सीन द लैप्सेस, हैव यू सजेस्टेड एनी स्टेप्स टू बी टेकन इन दिस मेडिकल कॉलेज? यस, स्टूडेंट्स आर एजिटेटेड, दे नीड टू बी डिफ्यूज्ड। यस यस, वी हैव सजेस्टेड, हमने सजेस्ट किया है यस, कि सिक्योरिटी जो एजेंसी है यहाँ पर जो काम करते हैं उनको भी सिक्योरिटी मतलब एजेंसी से उन्होंने सस्पेंस किया है जो उस वक्त प्रेजेंट है, जो उस वक्त प्रेजेंट थे सिक्योरिटी पर्सनल उनको सस्पेंड किया गया है। और अभी हॉस्पिटल की तरफ से अथॉरिटी की तरफ से भी उनसे फिर से बात करेंगे और इम्प्रूव मैन की बहुत जरूरी है, वी नीड टू इम्प्रूव ये सिचुएशन। यस मैडम, ये जो प्रिंसिपल था उसको चेंज किया गया। प्रिंसिपल पहले कहा था कि ये जो मृतका वो मानसिक तौर से ठीक नहीं है, और आज हाईकोर्ट में जो केस चल रहा है वो उसमें हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल को फटकार लगाया और प्रिंसिपल की स्टेटस है उसके बारे में रिपोर्ट मांगे है। तो प्रिंसिपल होकर एट द अर्ली स्टेज उन्होंने ऐसा कहा था, क्या कहेंगे इस बारे में? ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, अगर प्रिंसिपल की तरफ से ही ऐसे स्टेटमेंट आता है तो इट्स रियली
shows that he is so insensitive about this matter. Madam, No, we won't allow this to happen. Actually, we have instructed the police. We have, in fact, requested the police also to be very, very sensitive because this is an inhuman act. ये हमें एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि दूसरी बार हमारे सिटी में ही नहीं हमारे देश में ये दोबारा नहीं होना चाहिए. तो इतना तो हमने पुलिस को भी रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द और स्ट्रिक्ट टू स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है. और पुलिस ने भी इस मैटर को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस उस में कंसिडर किया गया है. Will you visit the family? Will you visit the family? I visited last yesterday. And the spot of the incident? We will visit. Madam, I have one question. पीड़ित का नाम बताया गया. संदीप घोष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें विक्टिम का नाम लिया है. आपको ये उसका नोटिस भेजेंगे? वी विल टेक एक्शन ऑन दैट. वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन दैट. दिस इज सो इनसेंसिटिव. दिस इज सो इनह्यूमन. क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर भी कि किसी भी कहीं भी विक्टिम का नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए. तो उनके तरफ से उनके वहां से बहुत बड़ा इनसेंसिटिविटी और बहुत बड़ा गलती किया है उन्होंने. नोटिस भेजेंगे क्या उसके खिलाफ कोई? यस यस, वी विल डू अकॉर्डिंगली. वी डिस्कस अकॉर्डिंगली. ठीक है, विद द पुलिस विल टॉक अबाउट दैट. जूनियर डॉक्टर्स जो एजिटेशन कर रहा है उन लोग. Right there, of course, you've heard what the NCW member Delina Kongdup has had to say. She has stated that the NCW has demanded a swift probe into the rape and murder. She's asked the police to follow the legal procedure and has demanded a report from the hospital authority as well. Furthermore, she's gone on to demand that stringent security measures be put in place. And last but not the least, the victim's anonymity should be maintained. My colleague Renik Datta with us on the broadcast. Renik, the NCW has, of course, they've visited the college even as the chorus for a CBI probe continues. Take our viewers through the demands that have been raised by the NCW. There seems to be a connectivity issue at Renik's end. Meanwhile, five very clear demands have been put forth. First is, of course, a swift probe into the rape and murder. The second demand is for the police to follow legal procedure. Third, of course, a report from the hospital authority. Fourth, stringent security measures to be put in place considering the multiple security lapses that have occurred. And fifth is for the victim's anonymity to be maintained. They stated that they will be taking action against those who disclose the victim's identity. This is, of course, mandated by the court that a victim's anonymity should be protected. Meanwhile, we've been seeing such scenes. These are, of course, visuals coming in from across the country, whether it is Patna, it's Lucknow, it's Jaipur, it's Delhi, Mumbai, or Indore and Chandigarh. Students are protesting. They have come out to the streets in order to lodge their grievances against the overarching system with regards to doctor safety. They have demanded a CBI probe into the matter. They've also demanded to declare hospitals a safe zone, for the creation of a nationwide law by the center to protect doctors, for police camps at government hospitals, mandatory security arrangements in private hospitals and CCTVs in particular in vulnerable areas as well. Meanwhile, the NCW has raised several demands. We've just heard one member, Delina Kongdup, speak to the media. My colleague Renik is back with us on the broadcast. Renik, I hope you can hear me. Yes. All right. Of course, we can hear the chorus of the students right behind you demanding justice for the victim. The NCW has come and visited. What's happening on ground?
एकदम देखिए एनसीडब्ल्यू का जो मेंबर्स थे वो उनके तरफ से आज आरजीकर हॉस्पिटल में विजिट किया गया और आरजीकर हॉस्पिटल का जो प्रिंसिपल रूम है उधर भी उन लोगों की तरफ से विजिट किया गया। विजिट करने के बाद वो लोग आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो इमरजेंसी है जिस इमरजेंसी में फोर्थ फ्लोर में ये इंसिडेंट घटा है उस जगह में भी वो लोग विजिट किया और उसके बाद ही उनकी तरफ से कहा गया कि ये पूरा जो जगह ये पूरा जगह में बहुत सारे सिक्योरिटी लैप्सेस था, सिक्योरिटी लैप्सेस की वजह से इस तरह की घटना घटा है। मगर स्टूडेंट की तरफ से जो मांग किया जा रहा है वो स्टूडेंट का मांग भी जल्द से जल्द हॉस्पिटल या कॉलेज अथॉरिटीज मान लेगा इस तरीके का बात भी एनसीडब्ल्यू के पास प्रिंसिपल की तरफ से किया गया है। और उसके साथ साथ ही मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आज लगातार 5 दिन से जो स्टूडेंट्स है वो स्टूडेंट की तरफ से प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है। जैसे कि जस्टिस को मांग करते हुए जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट पूरा देश भर में चल रहा है वैसा ही कोलकाता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भी चल रहा है। और उसके साथ साथ ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जिस जगह में ये पूरा घटना घटा है उस जगह में भी जो स्टूडेंट्स हैं जो टीचर्स हैं उनकी तरफ से ये जो डिमांड वो डिमांड रखा जा रहा है उनकी तरफ से ये प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है। मैं एक बार बात करने का कोशिश करूँगा ये जो पुलिस की तरफ से जो जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे ले जा रहा है पुलिस के ऊपर क्या आप लोगों का भरोसा है? इस पे अभी जिस तरीके का पूरा घटना घटा है उसके ऊपर पुलिस के ऊपर आप लोगों का भरोसा है? अभी हमें फेथ तो रखना पड़ेगा ना, अगर नहीं रिजल्ट आता है तब हमें कुछ एक्शन लेना चाहिए, तो वी हैव फेथ इन द पुलिस राइट नाउ। ओके, ये जो पूरा घटना घटा है अभी का जो सिचुएशन है आप लोगों का डिमांड क्या है? व्हाट इज योर डिमांड? आवर डिमांड इज जस्ट जस्टिस एंड आल्सो सिक्योरिटी बिकॉज वी आल्सो वर्क इन नाइट ड्यूटीज एंड आई नेवर फेल्ट अनसेफ, सो अनसेफ एंड राइट नाउ आई एम फीलिंग अनसेफ लाइक हाउ आई विल कंटिन्यू माई ड्यूटीज एंड आई डोंट वॉन्ट दैट दे डिक्लेयर दैट नो नाइट ड्यूटीज फॉर female. This is not the solution. We just want safety in night duties or day duties anytime. Proper security measurement is in the hospital? Proper security रहता है but कोई भी घुस जाता है कभी भी and जैसे emergency में duty था तो 4-5 लोग आ जाते हैं अचानक से यहाँ पर आकर बात करने लगते हैं, उनके उन्हें कोई रोकने वाला नहीं रहता, उन्हें कोई बोलने वाला नहीं रहता है कि हाँ आप यहाँ से जाइए या आप ऐसे किसी फीमेल स्टाफ के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। कभी कभी लोग रहते हैं बट फिर बिना आइडेंटिटी कार्ड के लोग घुस जाते हैं इमरजेंसी ड्यूटीज में। वो लोग आते हैं उनको कोई रोकने वाला नहीं है, आप जाकर बोलोगे कि देखिए दादा ये लोग इतने सारे लोग हैं तब वो लोग आते हैं कि हाँ आप ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हैं, आप ऐसे कैसे आ सकते हैं, बट वहाँ पर कोई प्रेजेंट नहीं रहता है। आप सुन ही सकते हैं कि रात भर जब वो लोग ट्रीटमेंट करते हैं, रात भर जब ड्यूटी करते हैं उसी टाइम में बाहर का लोग अगर अंदर घुस जाए तो उन लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ता है सिक्योरिटी को, क्योंकि जो सिक्योरिटी लैब्स जिस तरीके का एनसीडब्ल्यू की तरफ से भी कहा जा रहा था कि सिक्योरिटी लैब्स है और इसके वजह से इस तरीके का बड़ा हादसा घट चुका है ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज में। और उसका आप बयान भी सुने हैं और भी मैं बात करने का कोशिश करूँगा, ये जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जारी है क्या आप लोगों का पुलिस के ऊपर भरोसा है? हाँ ज़रूर भरोसा है पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है। हम सिर्फ चाहते हैं जितनी जल्दी हम लोग को जस्टिस मिले, उसी का आशा कर रहे हैं हम लोग। ये जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो मेजरमेंट है वो क्या सही तरीके से रहता था दूसरा दिन? नहीं, आज सिर्फ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ही नहीं, हमारे स्टेट के और भी सारे जो पेरिफेरल कॉलेजेस हैं कहीं भी सिक्योरिटी मेजर्स एप्रोप्रिएट नहीं है, कहीं भी फीमेल डॉक्टर्स के लिए अलग रेस्ट रूम नहीं है, वॉशरूम तक नहीं है, हमको चेंज करने के लिए भी हॉस्टल आना पड़ता है, फिर रात में ड्यूटी करने जाना पड़ता है। तो एक ओवरऑल हम चाहते हैं कि पूरा सिक्योरिटी मेजरमेंट का स्ट्रेंथनिंग हो, और अभी जो प्रशासन जो भूमिका ले रही है वो बहुत ही एक लूजेंट तरीके से इस आंदोलन को देख रही है, पर हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जुडिशियल इंक्वायरी हो और इसका एक जस्टिस मिले विक्टिम को, क्योंकि और स्केपगोट हम बनने नहीं देना चाहते हैं। एकदम पुलिस इंक्वायरी जो हो रहा है उसके ऊपर भरोसा है? भरोसा तो है, लेकिन हमें 14 अगस्त तक चाहिए कल्प्रिट पकड़ा जाए। आपको क्या चाहिए, आपका मांग क्या? वी वांट इमीडिएट जुडिशियल इंक्वायरी ऑफ दिस केस एंड द अरेस्ट ऑफ द कल्प्रिट्स विद इन 14th ऑफ अगस्त।
जुडिशियल इंक्वायरी चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि ये इस तरीके का जो घटना आरजी कॉर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में घटा है उसके बाद से ही स्टूडेंट्स का जो डिमांड, स्टूडेंट्स का डिमांड बार बार से ही है कि पूरा जो घटना का जांच हो रहा है इसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए, और जिस तरीके से पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है उसमें भी उनका भरोसा सही तरीके से नहीं है, क्योंकि लगातार 5 दिन हो चुका है मगर अभी तक पुलिस की तरफ से एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है, मगर उसके साथ कोई साजिश था कि नहीं, कोई कॉन्स्पिरेसी था कि नहीं, उस ये पूरा थ्योरी के ऊपर पुलिस की तरफ से कोई बात नहीं किया गया, और पुलिस के ये जो इन्वेस्टिगेशन इस पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ऐसा स्टूडेंट का मांग है, और स्टूडेंट की तरफ से ये भी डिमांड रखा जा रहा है कि जो रात भर ड्यूटी करते हैं, जो महिला डॉक्टर रात में काम करते हैं, उस महिला डॉक्टर का सही तरीके से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दिया जाए, और इसी मांग को लेकर आरजी कॉर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से लगातार स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स around they have in fact made their stance very clear, several of them coming out to say that they have full faith in the police and the probe that is taking place as well, but they have also pointed out concerns regarding security lapses. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.